हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न प्रदीति मन। तो देखिए, रीट के अभ्यर्थियों, जो भी तैयारी कर रहे हो, तो सभी को ये जानना था कि फॉर्म जो है वह कब निकलेंगे। तो जो सूचना आ रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मार्च के मंथ में जो है वो आपकी भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी और आवेदन प्रक्रिया जो है वो अप्रैल में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने जो है वो आपको रीट के एग्ज़ाम के लिए, तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा और आपकी 23 या 24 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, ये भी सूचना है कि सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा रीट का, जो कि एक पात्रता परीक्षा होगी। आप लोगों को 90 मार्क्स जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको लाने होंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे पास होते हैं वही नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो जो आपका सेकंड पेपर होगा तो वह अक्टूबर में होगा। ठीक है, अक्टूबर में जो सेकंड पेपर है उसकी परीक्षा होगी। उसके बाद उस परीक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे। वहाँ पर आपको कम नंबर नहीं लाने हैं। जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो मेरिट निकाली जाएगी जिसके आधार पर आपके रीट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ऐसा जो है सूचना आई है। और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें जितने ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे तो आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और सिलेक्ट होने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको काउंसलिंग के बाद दिसंबर तक नियुक्ति दे दी जाएगी। तो देखिए, जो भी प्रक्रिया है, इन लोगों का कहना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये एग्ज़ाम करवाएगा, तो बिल्कुल ये चीज़ जो है वह कह दी गई है कि इस साल ही दिसंबर से पहले पहले जो है ये एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, दोनों पेपर करा लिए जाएंगे और नियुक्ति भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो फटाफट फटाफट काम जो है इनके हो रहे हैं। तो जो न्यूज़ आई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बताना जरूरी है, आप लोग तैयारी में जुट जाएं। और देखिए, फर्स्ट पेपर जो रीट का है सिलेबस वही रहने वाला है, तो आराम से आप लोग तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि दिसंबर तक जो है इन लोगों का कहना है कि जो भी कैंडिडेट सेकंड पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो उनको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।